हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे आप सब, होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आई नो काफ़ी दिनों से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं छोड़ा, लेकिन आज से काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं रोज़ डालूंगी। तो गाइस सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके की हुई है। एक मछली वाले अंकल आए थे मछली लेके, तो ये है मैं जो थंबनेल पे बता रही थी मेरी न्यू बिजनेस। तो मैंने सोचा था गाइस, हालांकि ये जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो गाइस मेरी जो सोच थी वो ये थी कि मैं ये जो अरूप चंदर के बच्चे हैं छोटे छोटे, ये मैंने ख़रीदा था और पॉन्ड में डाला था, ये सोच के कि ये बड़े हो जाएंगे, उसके बाद इनसे जो मुझे मिलेंगे पैसे उससे मैं फिर से कुछ और बेबी फिश खरीद के ऐसे डालूंगी, ऐसे मतलब ऐसे करके मैं अपना बिजनेस करूँगी। लेकिन गाइस जो हुआ, हर बार मतलब जो हमारे पॉन्ड वगैरह होते हैं ना, वो मतलब सींचना पड़ता है और उसके बाद न्यू फिश डालते हैं। तो इस बार ये वाला जो पॉन्ड में हम डाल रहे थे, बड़े बड़े देख के डाल रहे थे, ताकि ये मतलब घर के पास है तो हम खा भी पाए बीच बीच में इसकी वजह से। तो ये जो है ये सींचना पड़ गया, और क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे फिश है ये मतलब इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। एक साल तक अगर टाइम मिलता तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते, और बड़े होने के बाद ये खाने लायक होते, लेकिन ये छोटे छोटे मतलब हमें मिल गए, क्योंकि सींचने के बाद ये तो छोटे छोटे ही रह गए। फिर हम क्या करें, इतने छोटे बेच भी नहीं सकते, और फिर हमने फ्राई करके इनको खा लिया। और गाइस ये देखिए अभी दूसरे पॉन में डाल रहे हैं, और ये देखिए बड़े होने के बाद कुछ इतना बड़ा होता है। और गाइस ये इसका कलर जो है ना बहुत मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऑरेंज काइंड ऑफ है इसकी टमी में, और ये देखिए देखने में भी इसका लुक जो है काफ़ी क्यूट है। और गाइस ये जो रूपचंदा है ये मतलब खाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इसको मैंने एक बार बड़ा एक फ्राई करके भी खाया था अपने चैनल पर, आप जाके पिछले वाले जो ब्लॉग्स है वो आपको देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप जितने भी फिश दिख रहे हैं ये मतलब शेयर का है, मेरी बहन का हाफ है और मेरी हाफ है, और दूसरे पॉन में हम जाके ये डाल रहे थे। और गाइस पहला वाला पॉन जो है वो सींचने के वक्त मैंने सोचा था कि छोटे छोटे बच्चे इस वाले पॉन में डाल देंगे, लेकिन अब मैंने बोला था कि ये वाला पॉन भी एक दो दिन में मतलब सींच टाइम लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी नहीं फेंका, हमने खा लिया कुछ, अब के घर भी भिजवा दिया। और गाइस उसके बाद अब तक मतलब एक दो महीने हो चुके हैं, अब तक ये वाला पॉन सींचा भी नहीं है। तो अभी मैं मुझे मतलब पछतावा हो रहा है, अगर इस वाले पॉन में मैं डाल देती तो मतलब अभी काफ़ी बड़े हो जाते और एक महीने में तो थोड़ा सा खाने लायक भी हो जाते, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुई। और गाइस ये देखिए ये हमारी जो बेर का पेड़ है वो जब छोटे छोटे थे, क्योंकि ये पिछले महीने का ब्लॉग है गाइस ये देखिए, और हमारे जो पॉन्स वगैरह, और उसके बाद शाम को गाइस ये देखिए यहाँ पर है एक सांप। तो गाइस पता नहीं मुझे हमेशा ही क्यों मतलब मुझे ही सबसे पहले सांप दिख जाते हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब सांप से डरती हूँ। ये देखिए छिपकली वगैरह से तो बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन ये सांप जो है ये, और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, शायद ये मतलब रास्ता भटक गया था। तो अब यहाँ पर लाइट दिखा रहे थे उसको, ताकि ये मतलब अपना रास्ता देख ले, लेकिन ये फिर से हमारे घर के सामने जो बगीचे है उसके अंदर आ रहा था। उसके बाद इसको फिर से लाइट दिखाया। और गाइस ऐसे कोई भी सांप वगैरह अगर आता है ना, तो आप उसको मारिएगा मत, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा सांप मतलब किस तरीके की हो, इसकी वजह से बेहतर है उसको जाने दे, क्योंकि ये अब बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करते। और ये देखिए ये फिर से यहाँ पर आके बैठ गया है, अभी मैं यहाँ से इसको जाने के लिए मतलब ऐसे कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जा रहा था, उसके बाद ये चला गया था। और गाइस ये देखिए पता नहीं गर्मियाँ थोड़ा बहुत मतलब आने को है, तभी मतलब मच्छर का आना तो शुरू हो गया, मच्छर मतलब गर्मियों से पहले आ गया। ये देखिए गाइस मैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मच्छर मार रही थी, तो मैं दिखाऊंगी आपको आगे ब्लॉग में। और गाइस आगे ब्लॉग में ये भी दिखाऊंगी कि मेरे जो छोटे छोटे फिश है जिनके बारे में मैं मतलब इतना बचता रही थी, तो उनका क्या हालत हुई, वो आपको आगे ब्लॉग में दिखने को मिलेगा। इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहे, मेरे चैनल पर जुड़े रहे। और गाइस ये देखिए कितना बड़ा मच्छर है ये। उसके बाद ये मैं गाइस बनाना दिखाने का कोई मतलब मेरा मोटिव नहीं था, ये इतना छोटू सा बनाना है ना, और ये राइप भी हो गया था, तो देख के मुझे लगा क्यों मतलब आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये देखिए राइप भी हो गया और स्वीट भी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है कुकुम्बर। और गाइस ये एक पुराना मतलब जो कटन है, कटन का पेड़ था हाइब्रिड कटन का, तो उसको हमने काट लिया, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, हमारे घर पर गिर जाएगा इसकी वजह से। और काटने के बाद इसका जो मेन मतलब रूट वाला पार्ट है वो जो मर गया था, वहाँ पर इस तरीके की मशरूम जो जंगली मशरूम होता है ना वो उग जाते हैं। और ये देखिए ये खाने लायक नहीं होते, और होते भी है तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम
खाते नहीं है और हमें इस बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो बेहतर है अगर आपको कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप उसे यूज़ ही ना करें। अगर नॉलेज है तो आप बिंदास यूज़ करें। उसके बाद ये जो कुकुम्बर का पेड़ है, ये मतलब यू ही सीड के हो गया था, क्योंकि हम सब्जी वगैरह काट के ये यही जगह पर डालते हैं, तो सीड से ये अपने आप ही उग गया, हमने इसको लगाया नहीं था। तो वहाँ पर कुकुम्बर भी लग गया था तो हमने खा भी लिया। और गाइस आज का दिन थोड़ा सा सफाई वाला डे भी है, इस वाला जगह जो है इसको सफाई कर रहे थे हम। और ये देखिए थोड़ा सा स्टार कुशबरी जो है गाइस, ये मतलब हर साल रहता है, पूरा साल एक दो करके मतलब रहता ही है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो चुकी है। और ये देखिए अब्बा यहाँ पर कुछ कर रहे थे, और हम ये वाला जो जंगल एरिया है इसको साफ करेंगे गाइस। ये हमारे घर का बैकयार्ड है जहाँ पर मतलब हमारे डॉग हैं सब कुछ रहते हैं। और ये एक है घर, इसको मैं अभी तोड़ूंगी और आगे बताऊंगी ब्लॉग में कि क्यों तोड़ूंगी। और ये देखिए गाइस यहाँ पर काचू वगैरह बहुत कुछ मतलब इसके ऊपर था, ये एक ग्लास था तो ये टूट गया था यहाँ पर, मतलब बहुत ही अपने आप ही टूट गया था, ज़्यादा सॉफ्ट होके मतलब इसका वैलिडिटी चला गया था शायद। और ये देखिए मैं कुछ काम करूँ और ख़ुद को चोट ना पहुँचाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये जो ग्लास है मेरे हाथ पर लग गया, उंगली पर, और थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन फिर भी मतलब काम तो करना ही है। और ये देखिए ग्लास वगैरह सब कुछ, ये काफ़ी दूर फेंकना पड़ेगा क्योंकि फिर हमें ही मतलब इससे लॉस होगा। और ये देखिए अब बगीचे में कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर सब्जी वगैरह लगाएंगे हम इसकी वजह से। और ये देखिए अभी मैं काफ़ी दूर जा कर जंगल एरिया में यहाँ पर फेंकूँगी, हालाँकि ये एरिया भी अभी जंगल नहीं रही है, मतलब जंगली, क्योंकि हमने इसको साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर मैं फेंकने या थी, लेकिन अब्बा ने बोला क्योंकि यहाँ पर नहीं फेंकेंगे और दूर फेंकना है, तो वो लेके जाके फेंक आए। उसके बाद यहाँ पर जो मस्टर्ड का सीड है वो है, क्योंकि अब्बा इनको अभी लगाएंगे, और लगाने के बाद बड़े होकर हमने खा भी लिया है, क्योंकि गाइस ये ब्लॉक 1 महीना पहले का है। तो ये देखिए ये है बटल नट का पेड़, इनके बीच बीच में हम लगाते हैं, काफ़ी मतलब बटल नट को भी थोड़ा सा चाव वगैरह मिल जाते हैं और यह बेहतर होता है। और 2 साल ही हम यहाँ पर लगा पाएंगे, उसके बाद बटल नट का पेड़ जो है वो बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके की मतलब हमें लगाना होता है। और ये है जो करियंडर का बीज, तो गाइस इनको ओवरनाइट सोक करके रखा जाता है वाटर में, वरना ये इनकी जो स्प्राउट नहीं निकल आते ईजिली, तो ये देखिए पानी में ऐसे रखना पड़ता है। उसके बाद अभी इनको लगाएंगे थोड़ा सा पतले पतले करके, वरना जो है एक पेड़ के ऊपर एक और आ जाएगा। उसके बाद गाइस ये जो मैं घर तोड़ने की बात कर रही थी ना, तो ये है हमारे डक का घर। और डक जो है हमने खा लिया, सब कुछ ख़त्म, अभी डक नहीं है फिलहाल। तो इसका घर जो है काफ़ी ख़राब हो गया है, अगर हम फिर से डक मतलब पालेंगे तो अच्छे से घर बनाएंगे इसके, तो इसकी वजह से ये पुराना जो है ये यहाँ पर मुझे जंगल लग रहा था, थोड़ा सा मतलब कुछ अजीब लग रहा था, तो इसको मैंने तोड़ने की मतलब प्लान बनाई। हालांकि अब्बा मुझे तोड़ने नहीं देते, तो उनसे छुप के मैंने तोड़ लिया, क्योंकि तोड़ने के बाद अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मुझे बोला था कि वो फिर से डाक लाएंगे, तो रखने के लिए मुझे जगह देना होगा, तो मैंने कहा कि ठीक है जब लाएंगे तो मैं एक और बना दूंगी, या फिर ये जो हमारे पास में ही हैन का घर है उसके नीचे उनको जगह दे देंगे। तो अभी ये देखिए अम्मा की यहाँ पर दिख रही है, और जो पहले ऊपर का जो टीन वगैरह होता है ना, तो उसको मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद नीचे का जो फ्रेम है उसको इजीली मैं तोड़ पाऊँगी। और मेरे हाथ पे जो है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, हैमर बोल सकते हो, लेकिन ये बड़ा वाला नहीं, छोटे वाला जो हैमर है ना, जिससे मतलब जो पिन वगैरह है डालते हैं, तो ये वही है, उसी से तोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब लगा हुआ था ये जो लोहे का पिन होता है वो। तो ये देखिए इसको अब्बा ने काफ़ी मेहनत से बनाया था, काफ़ी साल हो गए लेकिन ख़राब होने को भी है। तो और इसका पानी जो है ऊपर अगर बारिश वगैरह होता है तो नीचे गिर जाता है पानी, डाक हालांकि इतना सेफ नहीं रहते। गाइस ये देखने में तो कमज़ोर लग रहा था, लेकिन तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्कत लगी है मुझे, आप देख सकते हो आगे ब्लॉग में। और गाइस अगर न्यू हम डाक का घर बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस ये जो काम है देखने में छोटा है, लेकिन काफ़ी वक्त भी लगता है, तो मेरा तो काफ़ी घंटे चले गए इसको खोलने में, और खोलने के बाद उसको फिर से अरेंज भी करना पड़ा। और गाइस ये जो दिख रहे हैं ना आप कपड़ा वगैरह, इसके अंदर जो पान का पेड़ है तो उस
वो है ढक के रखा हुआ, वरना मुर्गियाँ जो है वो ख़राब कर देती है। और इसको ये देखिए, ये है पन का पेड़, तो इसको मुझे फिर से घर देना पड़ेगा एक, वरना पूरा ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए अभी इसका जो ऊपर का जो छत है वो मैंने निकाल लिया है, और अभी साइड का जो है वो वॉल वगैरह उसको निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये कुछ तर्जा बोलते हैं तो उसका था, और फ्रंट में बेम्बो का था। और ये देखिए यहाँ पर कुछ धनिया भी आ गए थे, तो सेफली मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी मजबूत थी। और मीन वाइल अम्मा यहाँ पर ये जो जंगल एरिया मैंने दिखाया था वो साफ़ कर रही थी। इसको भी हम तोड़ेंगे, सब कुछ यहाँ से मतलब हटा देंगे। और गाइस इस वाले जगह में ये देखिए ये कुछ इंसेक्ट निकल आया, पता नहीं ये क्या ही है। और यहीं पर मैंने खेती की थी अपनी, तो वो तो आप लोग देख ही सकते हो। और गाइस ये देखिए कल ही का व्लॉग में, मतलब कल ही नहीं सुबह का व्लॉग में यहाँ पर ये व्हाइट थे, और शाम तक ये ब्लैक हो चुके थे, मतलब ये खाने लायक नहीं है। और गाइस ये देखिए अभी जो कुकुम्बर है उसको मैंने तोड़ लिया है, और ये जो रेस्ट इसका पेड़ है उसको मैंने इस तरीके की बेम्बू की मदद से कर दी ताकि ये ऊपर जा पाए। और बीच में मुझे एक नारियल मिला, तो मैंने सोचा उसको काट के देख लेते हैं। और काटने के बाद मुझे ये जो पान के अंदर जो कोकोनट देते हैं ना, ड्राई कोकोनट, तो उसको कोपरा भी बोलते हैं, तो ड्राई कोकोनट मुझे मिली। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, और मेरी जो थ्रॉट है शायद कोकोनट्स उसको स्विच नहीं है, मैं जब भी कोकोनट खाती हूँ तो मेरी गला जो है थोड़ा सा ख़राब होने को हो जाती है, तो इसकी वजह से। और गाइस ये ब्लॉग अगर कोई बच्चे वगैरह देख रहे हैं तो इस तरीके की घर में नारियल काटने की कोशिश ना करें, क्योंकि गाइस मैं काफ़ी सालों से काटते आ रही हूँ, तो मैं इसमें प्रो हूँ। तो ये देखिए गाइस, और इसके अंदर से मुझे ये मिला, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। ये जो पान में मिलता है ना नारियल, तो इसको कुछ कश्मीरी काइंड ऑफ नारियल बोलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल नारियल है वो अगर घर में आप कितने ही साल ना रख दो, मतलब इस तरीके की ड्राई नहीं होती, लेकिन इस प्रजाति का नारियल जो है ये ड्राई होता है। और ये बिल्कुल सेम वही टेक्स्चर है गाइस, ये देखिए थोड़ा सा मतलब ग्रे काइंड ऑफ हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। यहाँ पर चारों तरफ काम चल रही है, यहाँ पर मेरी चाची जो है वो भी काम कर रही थी, और ये वाला एरिया जो है वो साफ हो गई, वहाँ पर हम जला रहे थे। उसके बाद इस वाला जो एरिया है यहाँ पर कुछ इस तरीके के घास आ गए थे, तो अब हम उनको साफ कर रहे थे। और यहाँ पर जो मेरी जो फैला हुआ चीज़ है वो अभी अम्मा साफ़ कर रही है, और ये जो पान का पेड़ है उसको अभी मैं घर दे दूँगी। इस तरीके की जो बेम्बू का स्टिक वगैरह अभी निकले हैं ना तोड़ते वक्त ये डाका घर, तो उन्हीं से मैं इसको एक घर काइंड ऑफ दे रही हूँ, ताकि इसको एक धूप भी मिल जाए। इतने दिनों तक कपड़े से ढका हुआ था तो धूप भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रही थी, और इस तरीके की मैंने दे दिया है। और गाइस ये जो पान का पेड़ होता है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती है, इतना जल्दी उगता भी नहीं है, और अगर उग भी जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इनके पीछे। हमारे घर के सामने भी बटरनट के ट्री पे काफ़ी ज़्यादा पान का पेड़ था, अभी सब कुछ मर चुका है, मतलब अगर उनको पानी नहीं मिलता तो ये मर जाते, और अगर पानी मिलता है तो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब पेड़ों से ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं, तो मतलब पान जो है वो आता है। आई होप गाइस आज की ब्लॉग आपको अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है देन डू लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, ताकि मेरी नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं उसके लिए आप नोटिफाइड रहे। और गाइस ट्रस्ट मी, आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। और ये जो फिश का मेरी बिजनेस है इसका भी जो ख़तरनाक एंडिंग हुई उसका भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहे। और गाइस मैंने घर को अच्छे से मतलब बना लिया है पान के लिए, ताकि उनको धूप भी मिल जाए और मुर्गियों से भी उनको ख़तरा ना हो। और गाइस ये देखिए इस तरीके देखने में तो बहुत ही कम मेहनत का काम लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। और ये देखिए हाफ में ही मेरी जो बेम्बू का स्टिक है वो ख़त्म हो गए थे, तो जो हमने यहाँ से साफ़ करके जो कूड़े वगैरह कचरा यहाँ पर डाला था वही से मैं फिर से स्टिक टूटने गई थी, और कुछ मुझे मिल भी गए, और उनसे मैंने ये घर जो है बनाने की कोशिश की। हालाँकि ये इनसे भी मतलब ख़त्म नहीं हुई, तो फिर मैंने दूसरे कैसे अरेंज की और इसको अच्छे से इसका जो है घर बना लिया। और गाइस यहाँ पर मीनवाइल जो जंगल थे वो अपन ने साफ़ कर लिया। और गाइस यहाँ पर एक मैंगो का पेड़ था जो मतलब मैंने काट लिया था, मैंगो नहीं लगता, और हर बार यहाँ पर आके मैं मतलब गिरने ही वाली होती हूँ, तो इसकी वजह से मैंने हैमर से इसको भी तोड़ दिया, और ये मर भी गया था, तो तोड़ने में भी ईजी थी।
और गाइस ये देखिए अभी मेरा जो पान का घर है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए ऑलराइट गाइस आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों के भी खुश रहने की कोशिश कीजिए और मेरी ब्लॉग्स जो है वो देखते रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।